हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेमेल पैरिटी एंड इटैरियो पैरिटी। इकोलॉजी के अंतर्गत एक चैप्टर है, इकोलॉजी में एक चैप्टर है लाइफ हिस्ट्रीज एंड इवोल्यूशनरी फिटनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। इससे एक क्वेश्चन आता है अक्सर 2014 के बाद के एग्जामों में, अक्सर देखा गया है कि सेमेल पैरिटी एंड इटैरियो पैरिटी, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है क्या होते हैं सेमेल पैरिटी और क्या होता है इटैरियो पैरिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमेल पैरिटी एंड इटैरियो पैरिटी आर टू कंट्रास्टिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अवेलेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, इसमें जो सेमेल पेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेमेल पेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपने लाइफ टाइम में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेमेल पेरस ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम्स, मतलब ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं या कह लीजिए कि सीड देते हैं, तो एक बार सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं। और एलोकेटिंग देयर स्टोर रिसोर्सेज टू रिप्रोडक्शन, और जो इनकी सारी एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में एलोकेट कर देते, लगा देते हैं, यानी इसमें पेरेंटल केयर नहीं होता है, ठीक है। देन डाई इन अ पैटर्न ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं ये प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू मर जाते हैं। सम टाइम कॉल्ड बिग बैंग रिप्रोडक्शन, और इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है उसे बिग बैंग रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्चुअली सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से आते हैं कि सेमेल पेरस वे ऑर्गेनिज्म है जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ एक बार। हो सकता है इनकी लाइफ स्पैन 6 मंथ की हो, 6 मंथ की हो, या 1 ईयर की हो, या इससे ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वंस एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एगेव्स एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एगेव्स जिसमें एक कैक्टस आते हैं, बंबू, सेलमन फिश, इसको जरूर नोट करिए, सेलमन फिश, सेलमन फिश बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेमेल पेरस का। वीट यानी कोई क्रॉप जैसे ये है गेहूं की फसल, ये भी सिर्फ एक बार अपने रिप्रोड्यूस करती है लाइफ स्पैन में, ठीक है। किकैट्स, सियासीसेट्स जो भी बोले आप इसको, एंड मेफ्लाई, ये क्या है इंसेक्ट है, कुछ इंसेक्ट भी सेमेल पैरिटी शो करते हैं। मेनी अरैकनिड्स एंड स्क्विड्स, और सम मोलस्का भी सेमेल पैरिटी शो करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इटैरियो पैरिटी क्या होते हैं। जो इटैरियो पैरिटी ऑर्गेनिज्म है ये मल्टीपल टाइम ब्रीड करते हैं, अपने लाइफ टाइम में एक से ज्यादा बार ब्रीड करते हैं, मल्टीपल। इटैरियो पैरस ऑर्गेनिज्म ब्रीड मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, ये अपने जीवन काल में एक से ज्यादा बार रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन, बर्ड्स। लेकिन इटैरियो पैरिटी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, एक कंटिन्यूअस इटैरियो पैरिटी एंड सीजनल इटैरियो पैरिटी। कंटिन्यूअस इटैरियो पैरिटी का मतलब है कि ये निरंतर हर समय ब्रीड करते हैं, जिसमें ह्यूमंस एंड चिंपांजीज आते हैं। लेकिन जो सीजनल इटैरियो पैरिटी ऑर्गेनिज्म है ये सीजनल वाइज ब्रीड करते हैं, जिसमें बर्ड, डॉग्स, जब इनका सीजन होगा तभी ब्रॉड करेंगे, ब्रीड करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अब हम इससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में लगाते हैं जो इससे आए हुए क्वेश्चन है। 2017 में ये क्वेश्चन है, जून 2017 का। व्हाट डू मेफ्लाई एंड पेसिफिक सेलमन एंड एनुअल ग्रेन्स, देखिए एनुअल ग्रेन्स यानी क्रॉप्स के बारे में पूछ रहा है, जो फसल्स होती है उनके बारे में पूछ रहा है, हैव इन कॉमन दे आर सेमेल पेरस, इटैरियो पेरस, ओवी पेरस या वीवी पेरस, ठीक है। सेलमन फिश जो होती है ये पैसिफिक सागर, प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर वन सेमेल पेरस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए स्पीसीज हुज लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजी अलाउ फॉर हाई इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, यानी आर सिलेक्टेड आर स्ट्रेटजी विल आल्सो एक्सिबिट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कुछ कमेंट्स दिए हुए नीचे, इनमें से पूछ रहा है कौन सा कमेंट्स आर स्ट्रेटजी के बारे में नहीं है, ठीक है। आर स्ट्रेटजी आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कब करो पढ़ाया था, उसमें आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन, आर सिलेक्टेड स्पीसीज और के सिलेक्शन स्पीसीज के बारे में बताया गया था, उसी से रिलेटेड। फर्स्ट है ए हाई टॉलरेंस फॉर बोथ इन्वायरमेंट इंस्टेबिलिटी एंड लो क्वालिटी। जो आर सिलेक्शन यानी आर सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म थे
जो आर सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म थे ये कैसे एनवायरनमेंट में रहते थे, जो अनस्टेबल हो, स्टेबल में ना होकर के किसमें था, अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहते थे। ठीक है, ध्यान देखिए, अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहते और लो क्वालिटी रिसोर्सेज होती थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है इसका, शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो इनकी ग्रोथ रेट होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होती है, जे शेप होता है। ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का जो कर्व होता है वो जे शेप फॉलो करता है, जे शेप। ठीक है, क्योंकि इनमें जो ग्रोथ होती है वो एक सेल से दो सेल या एक ऑर्गेनिज्म से दो सेल मल्टीपल टाइम्स होती है, ऐसे होती रहती है। ठीक है, डब्ल्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व रैंडम मेटिंग, सेमेल पेरिटी एंड लिटिल और नो पैरेंटल केयर। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है इनमें, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है वो कैसी है, वो कैसी है, रैंडम मेटिंग है। ठीक है, रैंडम मेटिंग होती, सही है, सेमेल पेरिटी एंड लिटिल या नो पैरेंटल इन्वेस्टमेंट। जो आर सिलेक्शन यानी आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैं या सेमेल पेरिटी हैं, इनमें क्या है, इनमें पैरेंटल केयर नहीं होती। ध्यान रखिए, इनमें पैरेंटल केयर नहीं होती, जबकि के सिलेक्शन स्पीसीज होते हैं, के सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, उनमें पैरेंटल केयर होती है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी रिप्रोडक्शन के साथ साथ पैरेंटल केयर में भी लगाते हैं। लेकिन जो आर सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, ये सारी एनर्जी अपने रिप्रोडक्शन में लगाते हैं। डी ऑप्शन है, सर्वाइवरशिप दैट शो डेंसिटी डिपेंडेंट मोर्टेलिटी टिपिकली एक्सिबिट टाइप वन और टाइप टू सर्वाइवरशिप। ये गलत है, जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज थे वो टाइप थर्ड कर्व शो कर रहे थे, टाइप थर्ड कनकेव कनकेव कर्व शो कर रहे थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, एक्सेप्ट डी के अलावा सारी सही है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज की यानी आर स्ट्रेटजी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमेल पेरस, पूछ रहा है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें कौन सा सेमेल पेरस नहीं है। तो ट्रेशेनिया, बंबू, सिकाडा एंड मेफ्लाई। इसमें जैसे मैंने आप पीछे वाली स्लाइड में मेरे देखा ही होगा, मैंने यहाँ पे दे रखे हैं इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है। तो यहाँ पे जो ट्रेशेनिया है ये एक प्लांट है, इंडोर प्लांट है। ठीक है, यही नहीं होगा, क्योंकि बंबूज है, सिकाडा है और मेफ्लाई है, तो कौन सेमेल पेरस नहीं है, ट्रेशेनिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, ये जून 2015 में आया, ये भी सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, 2015 में है। कंपेयर टू के सिलेक्शन आर सिलेक्शन फेवर, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन के बारे में पूछा है कि के सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में आर सिलेक्शन क्या फेवर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता दूं, आर सिलेक्शन वर्सेस के सिलेक्शन, कुछ चीजें बता दूं। जो आर सिलेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें जो ग्रोथ रेट या रिप्रोडक्टिव रेट होती है, जो रिप्रोडक्टिव रेट होती है यानी रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत हाई होता है, इनमें रिप्रोडक्शन स्लो होता है। इनका जो साइज होता है, बॉडी साइज जो होती है वो स्मॉल होगी, हर से के सिलेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी साइज होगी वो लार्ज होगी, लार्ज होगी। ठीक है, बॉडी साइज लार्ज होगी और इनका जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत फास्ट होगा, इनका डेवलपमेंट स्लो होता है, इनका डेवलपमेंट स्लो होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आर सिलेक्शन फेवर करता है रैपिड डेवलपमेंट, स्मॉलर बॉडी साइज एंड अर्ली एंड सेमल बेस्ट रिप्रोडक्शन। ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये ऑप्शन आर सिलेक्शन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है, रैपिड डेवलपमेंट, स्मॉलर बॉडी साइज एंड अर्ली इटेरियोपेयर्स। तो जो आर सिलेक्शन के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रैपिड डेवलपमेंट तो होता है, स्मॉलर बॉडी साइज भी होती है, लेकिन ये अर्ली इटेरियोपेरस नहीं, ये अर्ली होते हैं, क्या होते हैं, सेमल पेरस होते हैं, मतलब बहुत जल्द अर्ली एज में, यंग एज में ही रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, लेकिन ये सेमल पेरस होते हैं ना कि इटेरियोपेरस। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है, स्लो रिप्रोडक्शन थे, तो पहले ही गलत है, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो फास्ट होता है, स्लो नहीं होता। लार्ज बॉडी साइज, लार्ज बॉडी साइज नहीं होती, स्मॉल बॉडी साइज होती, तो इसको पढ़ने कोई जरूरत नहीं। डी ऑप्शन दिया, स्लो डेवलपमेंट, स्मॉलर बॉडी साइज एंड लेट डेरिवेटिव, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो आर सिलेक्शन का फेवर है वो ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, सेमल पेरस स्पीसीज कैन बी डिफाइंड एज, मोस्टली सेमल पेरस से ही आता है, सेमल पेरस, क्योंकि डेरिवेटिव सबको पता होता है, उसकी मल्टीपल टाइम्स से भी ब्रीड करते हैं,
लेकिन सेमल पेरस होते हैं जो अपने लाइफ स्पैन में या लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं, इसीलिए इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा, और इसके 5-6 कमेंट्स हैं ये नोट कर लीजिएगा। जो सेमल पेरस होते हैं इन्हीं को आर सिलेक्शन बोलते हैं या आर सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये टाइप थर्ड कर्व सर्वाइवरशिप फॉलो करते हैं, टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व फॉलो करते हैं, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सेमल पेरस स्पीसीज कैन बी डिफाइंड एज ए स्पीसीज दैट रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स इन लाइफ टाइम। ये गलत है, क्योंकि जो मल्टीपल टाइम ब्रीड करते हैं वो इटेरियो पेरस होते हैं, वो इटेरियो पेरस होते हैं। ऑप्शन बी, ए स्पीसीज दैट डज नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन सी, द न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन के थ्रू नहीं होता, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे स्पेसिएशन क्या होता है। ऑप्शन डी, द स्पीसीज दैट रिप्रोड्यूस 3 times अ ईयर, एक साल में 3 रिप्रोड्यूस करते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। अ स्पीसीज दैट रिप्रोड्यूस ओनली इन इट्स लाइफ एंड देन डाई, तो ऑप्शन नंबर ई सही है। ए स्पीसीज दैट रिप्रोड्यूस ओनली इन इट्स लाइफ, अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद डेथ हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमल पेरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमल पेरिटीज क्या है। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट ऑर्गन्स इन लार्वा, ऐसा नहीं। बी ऑप्शन है, 1 time रिप्रोडक्शन इन लाइफ सेमल पेरिटी का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, रिपीटेड रिप्रोडक्शन एट इंटरवल, रिपीटेड रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा इटेरियो पेरस जो होते हैं इनको रिपीटेड रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, इनमें रिपीटेड कई बार रिप्रोडक्शन होते हैं, रिपीटेड रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ए फ्यू ऑफ स्प्रिंग एट अ टाइम, ये भी गलत है, क्योंकि इनका जो सेमल पेरिटी होते हैं ये एक बार बहुत सारा रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारा रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जितनी भी एनर्जी होती है एक बार रिप्रोडक्शन में लगा देते हैं। तो दैट्स अबाउट सेमल पेरिटी एंड डायरियोपेरिटी। थैंक यू।